दोस्तों, आप अपने स्मार्टफोन में BGMI यानी बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में कोई रिसोर्स पैक यानी या फिर कोई फ्रेंड्स आप मैप डाउनलोड कर रहे हैं तो वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। देखिए, जैसे फ्रेंड्स मैं ये एयर एंगल का मैप है, मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। अब मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ तो ये डाउनलोड नहीं हो रहा है, यहाँ पर 9% लिखकर आ गया है। अब फ्रेंड्स अरेना का जो है ये भी मेरा डाउनलोड किया हुआ है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन बनकर आ रहा है, दोबारा से डाउनलोड मांग रहा है और इस पर डाउनलोडिंग पर क्लिक कर दे रहे हैं तो यहाँ पर वेट लिखकर आ रहा है। ये देख लीजिए आप, देखिए वेट लिखकर आ रहा है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि यहाँ पर आपका जो रिसोर्स पैक है या फिर फ्रेंड्स आपकी जो मैप है डाउनलोड होने लगे, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आप उसके लिए वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आदिल, आप देख रहे हैं टेक्निकल आदिल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में जो भी आपके जहां पर भी फाइल मैनेजर एप्लीकेशन पड़ी हो, फाइल मैनेजर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपको फ़ोन स्टोरेज वाले ऑप्शन में चला जाना है और यहां पर आपको एक एंड्रॉयड का ऑप्शन मिलेगा, सबसे ऊपर ही मिलेगा, तो एंड्रॉयड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको ऊपर एक डाटा का ऑप्शन नज़र आएगा, डाटा वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आइए, जहाँ पर भी आपका जो पबजी मोबाइल का फोल्डर हो वो चूज़ कर लीजिए। देखिए हम आए यहाँ पर, देखिए पबजी मोबाइल का ये है फोल्डर जिसमें लिखा है .com pubg.imobile, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको देखिए नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, दो ऑप्शन होंगे कैच को फाइल्स का, तो आपको फाइल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फाइल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आपको तीसरे नंबर पर एक ऑप्शन है UE4 गेम जी लिखा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जिसमें लिखा होगा शेडो ट्रैकर एक्स्ट्रा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको देखिए सबसे लास्ट वाला तीसरा ऑप्शन है, इसमें लिखा होगा शेडो ट्रैकर एक्स्ट्रा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर फ्रेंड्स आपको दूसरे ऑप्शन में एक सेव्ड का ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स आपके सामने इस तरीके से कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर आपको देखिए पाँचवें या सिक्स नंबर पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसमें लिखा होगा पैक्स का, पैक्स लिखा होगा, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स आपके सामने कई कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे, कई सारी फाइलें आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स आपको देखिए लाइन से ये तीन ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे जिसमें लिखा होगा गेम 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 पैच लिखा हुआ है। इन तीनों ऑप्शन को फ्रेंड्स, ये जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं, गेम पैच वर्जन दिए गए हैं, इनको आपको देखिए ऐसे सेलेक्ट कर लेना है तीनों को और इसको डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसको कट कर देना है, फाइल को हटा देना है और अपने स्मार्टफोन में पबजी एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो फ्रेंड्स मैंने देखिए स्किप कर दिया था ओपन वाला सेक्शन जिसमें कुछ मतलब 1 MB का लगभग अपडेट भी आया था, क्योंकि इससे वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए मैंने स्किप कर दिया, डायरेक्टली मैंने इस गेम को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स चलिए हम यहाँ पर सिलेक्ट मोड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर कई सारे मैप हैं तो हम क्लासिक पर क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड देखिए अब हमें कुछ भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली मेरा डाउनलोड है जो कि पहले था, लेकिन अभी डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब अरेना में जाएंगे तो फ्रेंड ये भी डाउनलोड का आ गया है। अब फ्रेंड देखिए अगर आप डाउनलोड भी करेंगे, जैसे असॉल्ट ये मैप है, मैं इसको जैसे डाउनलोड करना चाहूँगा तो मैं क्लिक करूँगा ओके पर क्लिक कर दूँगा। तो फ्रेंड देखिए ये डाउनलोड होने लगा है, देखिए परसेंटेज चल रहे हैं, अभी डाउनलोड 9 लिख कर आ रहा था, वेट लिख कर आ रहा है, तो अब देखिए ये डाउनलोड भी होने लगा है। कोई भी आप फ्रेंड्स ले लीजिए, जैसे ईवो ग्राउंड है, इसको मैं करता हूँ तो ये भी देखिए डाउनलोड हो रहा है। क्लासिक वाले सेक्शन में जाते हैं, ये कई सारे मैप हैं, लिविक है, मेरा मार है, तो चलिए हम जैसे मेरा मार पर क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड देखिए ये भी डाउनलोडिंग के लिए लग चुका है, इसमें भी परसेंटेज बढ़ने लगे हैं, 5.01% हो गया है इस। देखिए फ्रेंड्स अब ये डाउनलोड होने लगा है। अब चलिए मैं आपको रिसोर्स पैक और दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड वाले सेक्शन में जाता हूँ और फ्रेंड्स ये रिसोर्स पैक है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए ऊपर फ्रेंड्स स्पीड भी चल रही है, डाउनलोडिंग 102, 144 और देखिए यहाँ पर बढ़ भी रही है, 158 हो गई है, ये देखिए बढ़ रही है, यहाँ पर रिसोर्स पैक डाउनलोड हो रहा है, ये देखिए।
तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन में BGMI यानी बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में मैप डाउनलोड नहीं हो रहा है उस प्रॉब्लम को, या फिर रिसोर्स पैक डाउनलोड नहीं हो रहा है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ आपको करना क्या होगा। फाइल्स मैनेजर में जाना है, कोई भी आपका फ़ोन होगा उसमें फाइल्स मैनेजर ज़रूर होगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपका SD कार्ड डला होगा तो आपके में दो ऑप्शन आएंगे, फ़ोन स्टोरेज SD कार्ड। तो आपको फ़ोन स्टोरेज यानी जो मोबाइल का स्टोरेज है उसमें जाना है, एंड्रॉयड वाले सेक्शन में जाना है, फिर डाटा पर क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करके आएंगे जहाँ पर भी आपकी पबजी मोबाइल की फ़ाइल हो उसको यहाँ से चूज़ कर लेना है। जैसे हमारी देखिए ये फाइल है pubg.imobile, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दूसरे नंबर पर फाइल्स का ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर तीसरे नंबर पर ऑप्शन दिखेगा UE4 गेम, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको देखिए शैडो ट्रैकर एक्स्ट्रा लिखा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर फ्रेंड्स आपको शैडो ट्रैकर कर एक्स्ट्रा लिखा होगा उस पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने सेव्ड वाला सेक्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर फ्रेंड्स आपको पैक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके फ्रेंड्स आपको देखिए गेम वाले तीन ऑप्शन लगातार मिलेंगे, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है तो आपका जो पबजी मोबाइल गेम है वो चलने लगेगा। तो इस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन में बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया यानी BGMI में मैप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ पर डाउनलोड नैन लिखकर आ रहा है, वेट लिखकर आ रहा है, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका रिसोर्स पैक भी डाउनलोड नहीं हो रहा है तो इस तरीके से आप अपना BGMI में रिसोर्स पैक डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपका भी मैप डाउनलोड हुआ हो फ्रेंड्स इस ट्रिक से, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाल वाले बटन पर क्लिक करके बटन को तोड़ डालिए, खूब उसके साथ पबजी खेलिए, खूब फ्रेंड उसमें गोली मारिए, उसको तोड़ डालिए और बेल आइकन में प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।